गेम थ्योरी। गेम थ्योरी तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि गेम थ्योरी होता क्या है, किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ गेम का क्या मीनिंग है, और फिर किसी भी गेम को अगर आपको दे रखा है तो उसको सॉल्व करने के क्या-क्या मेथड्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो जहाँ तक गेम थ्योरी की बात है, कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ या इस तरह की सिचुएशंस आपकी रियल लाइफ में अराइज हो सकती हैं कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस का मतलब है जहाँ पर अपोजिशन आपके सामने है, अपोजिशन, ठीक है। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपके अगेंस्ट में कोई दूसरा डिसीजन ले रहा है, यानी कि आपके सामने कोई ना कोई अपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन कैंपेन्स की बात करें, इलेक्शंस में अपोजिट पार्टीज हो सकती है, अपोजिट कैंडिडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। या मिलिट्री बैटल्स की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की मिलिट्री हो सकती है, उनके बीच में जो बैटल चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्टिंग सी सिचुएशन है। यानी कि जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो, संघर्ष हो एक दूसरे से, वहां मैथमेटिक्स की इस ब्रांच को अप्लाई किया जा सकता है। गेम थ्योरी, जैसे दो अपोनेंट टीम्स एक दूसरे के सामने खेल रही हैं, विपक्षी टीमें एक दूसरे के सामने खेल रही है, ठीक है, तो वहां पर भी गेम थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसी से मोटिवेटेड है कि इसका नाम क्या लिखा गया है, गेम थ्योरी। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि गेम थ्योरी के अंदर कम से कम यह है कि अपोजिशन तो होना ही चाहिए। जब तक अपोजिशन नहीं होगा फिर तो कोई मतलब है नहीं गेम का, ठीक है। गेम तभी पॉसिबल होगा जब दो अपोजिट पार्टीज या दो अपोजिट टीम्स या दो अपोजिट प्लेयर्स एक दूसरे के साथ कोई भी खेल खेलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गेम थ्योरी। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से आप पढ़ सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक मैथमेटिक्स की ब्रांच गेम थ्योरी की हम बात करें, तो गेम थ्योरी का जो जनक माना जाता है, या फादर ऑफ गेम थ्योरी, फादर ऑफ गेम थ्योरी, जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन फादर ऑफ गेम थ्योरी कहे जाते हैं, ठीक है। गेम थ्योरी का जनक किस मैथमेटिशियन को कहा जाता है, जॉन वॉन न्यूमैन को, ठीक है। और जहां तक जॉन वॉन न्यूमैन की बात की जाए, इन्होंने गेम थ्योरी के अंदर फेमस प्रिंसिपल दिया जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमिन प्रिंसिपल, मैक्सिमिन प्रिंसिपल। अभी पूरा अपन डिटेल में भी इसको देखेंगे, मैक्सिमिन प्रिंसिपल और मिनीमैक्स, मिनीमैक्स प्रिंसिपल, मैक्सिमम प्रिंसिपल और मिनीमैक्स प्रिंसिपल। मिनीमैक्स प्रिंसिपल, ठीक है। इन प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या था, अगर हम देखें, मैक्सिमम का मतलब है जितने भी मिनिमम वैल्यूज हैं उन सब का मैक्सिमम लेना है, और इसका मतलब है जितने भी मैक्सिमाइज मैक्सिमम वैल्यूज हैं उनका मिनिमम लेना है। इसका मतलब यह है कि जो भी गेंस होगा या प्रॉफिट होगा, मिनिमम प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, मिनिमम प्रॉफिट को या मिनिमम गेन को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, और मैक्सिमम जो लॉसेज हैं उनको मिनिमाइज करना, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है थ्योरेटिकल। और जहां पर मैक्सिमम और मिनिमैक्स वैल्यू दोनों कॉइंसाइड कर जाएगी, वो अभी हम डिफाइन करेंगे, सैडल पॉइंट कहलाता है, वो अभी आगे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये तो गेम थ्योरी की बात की जाए, तो गेम थ्योरी के जो जनक है, कि फादर ऑफ गेम थ्योरी है, वो कौन है, जॉन वॉन न्यूमैन, एक तो यही क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिनीमैक्स का प्रिंसिपल या मैक्सिमम जो प्रिंसिपल्स गेम थ्योरी में हम पढ़ते हैं वो किन्होंने डेवलप किए, तो ठीक है, उसमें भी इन्हीं का नाम आता है, जॉन वॉन न्यूमैन का नाम आता है। अब इसके अंदर आता है कि जो फेमस वर्क जो इन्होंने किया था, ठीक है, थ्योरी ऑफ गेम्स, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर,
थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, ये एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसके ऑथर एक तो जॉन वॉन न्यूमैन और दूसरे जो इसके ऑथर थे एंड मोर्गनस्टर्न, मोर्गनस्टर्न ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर, न्यूमैन एंड मोर्गनस्टर्न ने मिलकर एक रिसर्च पब्लिश किया थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर टाइटल से, और इसके अंदर गेम थ्योरी को काफी डेवलप किया गया ठीक है। तो जॉन वॉन न्यूमैन के बाद अगर कोई दूसरा नाम आता है गेम थ्योरी के अंदर तो वो किसका आता है, मोर्गनस्टर्न का ठीक है। तो ये तो गेम थ्योरी का एक हिस्ट्री हो गई। और जहां तक इस पब्लिकेशन का बात है, ये जो पब्लिकेशन है वो कब आया था, 1944 यानी कि 20th सेंचुरी बोल सकते हो आप इसको, यानी कि गेम थ्योरी की जो शुरुआत हुई वो किसमें हुई थी, 20th सेंचुरी 20वीं सदी में ठीक है। तो ये तो गेम थ्योरी की हिस्ट्री। अब मैं आता हूं ठीक है, अपन जो यहां पर अब मेन चीजें पढ़ने वाले हैं गेम थ्योरी के बारे में, वहां पर कि कोई भी गेम है ठीक है, गेम थ्योरी जो यहां पर हम पढ़ेंगे उसके अंदर कोई भी गेम अगर आप पढ़ते हो तो उस गेम के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे और कब या किस केस में आप उन गेम्स को सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले जो हम डेफिनेशन देंगे, कॉम्पिटिटिव गेम्स और स्ट्रेटेजिक गेम्स भी इनको बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक गेम्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो सिचुएशन है वो किसकी होनी चाहिए, कंपटीशन की होनी चाहिए। कंपटीशन कब होगा, जब आपके अपोजिशन में कोई होगा तभी वहां पर आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो कॉम्पिटिटिव गेम किसको कहेंगे, कॉम्पिटिटिव गेम्स के अंदर जो सबसे पहला जो पॉइंट हम इन्वॉल्व करते हैं वो है नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। यानी कि कोई भी गेम अगर है ठीक है जिसके अंदर कुछ प्लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो नंबर ऑफ प्लेयर जो होगा ठीक है, जो खेल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। सेकंड जो पॉइंट इसके अंदर है, नंबर टू एवरी प्लेयर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज ठीक है। यानी कि जो भी, सबसे पहला तो क्या है कि हर एक जो प्लेयर जो आप ले रहे हो, जितने भी प्लेयर हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। अब जो भी प्लेयर गेम के अंदर खेल रहा है उसके पास कुछ लिस्ट ऑफ एक्शंस होगी, लिस्ट ऑफ एक्शंस की उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उसको अपना मूव करना है, उसको लिस्ट के अकॉर्डिंग खेलना है ठीक है। प्री डिटरमाइंड रूल इसको अपन बोलते हैं, पहले से आपको कोई लिस्ट दे दी जाएगी कि ये रूल्स हैं, क्योंकि हर गेम के कुछ रूल होते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग आपको खेलना है, इससे आप बाहर जाओगे तो फिर आप वैसे ही गेम से बाहर हो, अगर रूल आप तोड़ोगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको खेलना है ठीक है। तो जो रूल जो वहां पर जो मिल रहे हैं वो आप प्लेयर्स की क्या कह सकते हैं, स्ट्रेटेजीज कह सकते हैं, उसकी रणनीतियां कह सकते हैं। अब उनमें से उसको कौन सी रणनीति चलनी है वो सामने वाले प्लेयर को नहीं पता, वो आप किसी भी तरह से चल सकते हो। यानी कि जो भी स्ट्रेटेजीज होगी वहां पर वो क्या होगी, फाइनाइट होंगी ठीक है। यानी कि लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज जो वहां पर बनेगा, जिस तरह से प्लेयर मूव चल सकते हैं वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे ठीक है। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज मस्ट बी फाइनाइट, ये दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, ए प्ले इज सेड टू बी कंप्लीटेड इफ ईच प्लेयर यूज देयर फर्स्ट स्ट्रेटेजी, देयर फर्स्ट स्ट्रेटेजी और देयर फर्स्ट मूव ठीक है। तो गेम का एक प्ले कंप्लीट माना जाएगा कि एक प्ले हो चुका है, एक राउंड उसका हो चुका है। इसका मतलब क्या है,
उस गेम के अंदर जितने भी प्लेयर इन्वॉल्व हैं वो सब अपनी एक एक स्ट्रेटेजी चल चुके हैं, एक एक स्ट्रेटेजी अपनी काम में ले चुके हैं, तब अपन कहते हैं कि वो जो गेम है ठीक है उसका एक प्ले कंप्लीट हो चुका है। यानी ए प्ले इज सेट टू बी कंप्लीटेड इफ ईच प्लेयर यूज देयर फर्स्ट स्ट्रेटेजी और फर्स्ट मूव। एक मूव सभी प्लेयर्स का अगर हो जाए तो अपन कहते हैं कि गेम का एक राउंड कंप्लीट हो गया या गेम का एक प्ले कंप्लीट हो गया। चौथा जो इसमें मेन जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो होता है पे ऑफ, पे ऑफ, पे ऑफ। और इसका मतलब है आफ्टर आफ्टर फर्स्ट प्ले, आफ्टर फर्स्ट प्ले या कहें आफ्टर वन प्ले, आफ्टर वन प्ले पेमेंट, पेमेंट रिसीव्ड बाई प्लेयर्स, बाई प्लेयर्स। ठीक है, तो कौन सा प्लेयर कौन सी स्ट्रेटेजी काम में ले रहा है उस केस में उसको कितना पेमेंट रिसीव्ड होगा। ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड हो, अब यहां पर भाई एजे आप उसको पैसे के रूप में कह सकते हो कि इसने ये मूव चला तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, उसने ये स्ट्रेटेजी चली अगर ये परिस्थिति बनी तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, या कोई वैसा गेम है तो उसमें मूव नहीं मिलकर उसको एक पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है वहां पर। यानी कि जो भी आप प्ले, एक प्ले कंप्लीट होने के बाद हर एक प्लेयर को क्या मिला, क्या उसका आउटपुट मिला उसको, ठीक है, वो सारे किसके अंदर जाते हैं, पे ऑफ के अंदर जाते हैं। यानी कि जो पेमेंट रिसीव्ड है वो सारे पे ऑफ्स कहलाते हैं, पे ऑफ्स कहलाते हैं। और फिर पे ऑफ्स की हम अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और आप देखोगे कि अगर आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है तब फिर आप उस गेम को सोल्व कर सकते हैं। उस गेम को सोल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो गेम अगर कोई भी है यहाँ पर, जो भी गेम हम पढ़ने वाले हैं उन गेम को कॉम्पिटिटिव गेम्स कहते हैं या फिर स्ट्रेटेजिक गेम्स कहते हैं। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स फाइनाइट होने चाहिए, नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज अवेलेबल टू ईच प्लेयर इज फाइनाइट, एक प्ले कब खेला हुआ माना जाएगा जब हर एक प्लेयर अपनी एक स्ट्रेटेजी काम में ले ले, उसके बाद हर एक प्ले के बाद प्लेयर्स को क्या रिसीव हुआ, कितना पेमेंट रिसीव हुआ, कितने पॉइंट्स रिसीव हुए, ठीक है, उसकी अगर एक लिस्ट अपन बनाए तो वो सारे जो पॉइंट्स या जो पेमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, पे ऑफ्स कहलाएंगे, कि उनको क्या भुगतान किया जा रहा है। तो ये मेनली चार पार्ट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव गेम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, ये इसके बाद एक डेफिनेशन हो रहा थी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम। फाइनाइट, फाइनाइट गेम, और एक हम डिफाइन करेंगे इनफाइनाइट गेम, इनफाइनाइट गेम। तो फाइनाइट गेम क्या होगा, तो एक थोड़ा सा यहां सावधानी रख ली क्योंकि एग्जाम में जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं कि फाइनाइट गेम है तो तुरंत हमारे मन में एक चीज आती है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स फाइनाइट है तो फाइनाइट गेम है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ जो स्ट्रेटेजीज यहां पर है ये चीज है, नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजीज आर फाइनाइट। यानी कि जो भी उसको कोर्स ऑफ एक्शंस उसके हैं, जो भी उसको लिस्ट अवेलेबल है स्ट्रेटेजीज की, उसमें जो नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, तब जो गेम है वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट गेम कहलाएगा। अदरवाइज आप क्या कहोगे, इनफाइनाइट, अदरवाइज, अदरवाइज नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज या नंबर ऑफ लिस्ट या लिस्ट में जो भी रूल्स हैं, प्री डिटरमाइंड रूल्स हैं, वो रूल्स या स्ट्रेटेजीज का जो नंबर है वो अगर फाइनाइट है तब गेम फाइनाइट गेम कहलाएगा, अदरवाइज गेम क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट गेम कहलाएगा। तो ये दो और डेफिनेशंस फाइनाइट और इनफाइनाइट गेम्स की हो गई हमारे पास। उसके बाद जो स्ट्रेटेजी हम यहां पर लिख रहे हैं, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी भी दो तरह की होती है, स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजीज के भी टू टाइप्स हम लिखते हैं। एक तो लिखते हैं प्योर स्ट्रेटेजीज, प्योर स्ट्रेटेजीज, और एक हम लिखते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज, प्योर एंड मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज।
तो प्योर स्ट्रेटेजी क्या होती है और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये भी हम डिफाइन करेंगे यहां पर। प्योर स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है? अगर गेम इस तरह से कोई भी प्लेयर है वो हमेशा पार्टिकुलर एक ही स्ट्रेटेजी अगर हमेशा यूज में ले रहा है, बार बार एक ही स्ट्रेटेजी, ठीक है, दूसरी स्ट्रेटेजी पर वो जा ही नहीं रहा है, तब जो गेम है वो क्या कहलाएगा? प्योर स्ट्रेटेजी गेम, ठीक है, गेम विद प्योर स्ट्रेटेजी। प्लेयर यूज पार्टिकुलर स्ट्रेटेजी, ठीक है। अगर प्लेयर पार्टिकुलर कोई स्ट्रेटेजी है जिसको यूज कर रहा है, उस केस में जो गेम है वो कहलाएगा गेम विद प्योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, सपोज आपको इस तरह से दे दिया कि भाई कोई भी प्लेयर ए है और इसकी स्ट्रेटेजीज दे दी आपको, सपोज A1 और A2। कोई दूसरा प्लेयर बी है जिसकी स्ट्रेटेजीज दे रखी है आपको B1 और B2। अगर आप ये कह रहे हो कि प्लेयर ए हमेशा स्ट्रेटेजी A1 काम में ले रहा है, हमेशा क्या काम में ले रहा है? A1 काम में ले रहा है, ठीक है, उस केस में आप इसको कहोगे कि जो गेम है वो कैसा है? प्योर स्ट्रेटेजी गेम है। दूसरा आता है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। प्लेयर यूजेस स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्लेयर किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी चूज कर रहा है, उस केस में जो गेम है वो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड स्ट्रेटेजी गेम कहलाएगा। किस तरह से? मान लेते हैं कि A1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी X1 है, A2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? X2 है, ठीक है, तो वो अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, उनके हिसाब से वो देखेगा कि बेस्ट किसके लिए आ रहा है, तो वो वाली स्ट्रेटेजी वो चूज करेगा। फिर नेक्स्ट मूव जब आएगा नेक्स्ट प्ले में, फिर वो उसके हिसाब से चूज करेगा, एंड सो ऑन। तो कुल मिलाकर ये कि अगर प्लेयर ए किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी चूज कर रहा है, उस केस में जो गेम है वो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड स्ट्रेटेजी गेम। क्या कहेंगे? गेम विद मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, गेम विद मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। और प्लेयर हमेशा किसी एक पार्टिकुलर इसको चूज कर रहा है, यानी कि पार्टिकुलर एक को ही चूज करेगा, उस केस में क्या हो जाएगा आपका भाई? यहां पर इस केस में क्या होगा? X1 + X2 = किसके होगा? 1 के। भाई जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उसकी, पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हैं, उन सबका सम किसके इक्वल आएगा? हमेशा 1 के इक्वल। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये हो जाएगा कि X1 की वैल्यू तो 1 हो गई और X2 की वैल्यू क्या हो गई? 0। यानी हमेशा इसी को चूज करेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है इसका मतलब उसको कभी चूज नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो कि जो प्योर स्ट्रेटेजी गेम्स जो यहां पर है वो पार्टिकुलर केस है किसके? मिक्स्ड स्ट्रेटेजी गेम्स के। तो आप ये नोट डालकर लिख सकते हो, नोट, प्योर स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिक गेम्स आर पार्टिकुलर केसेस आर पार्टिकुलर केसेज ऑफ मिक्स्ड स्ट्रेटेजी गेम्स स्ट्रेटेजिक गेम्स। ठीक है, तो प्योर स्ट्रेटेजिक गेम्स मिक्स्ड स्ट्रेटेजिक गेम्स के क्या बनते हैं? पार्टिकुलर केसेस बनते हैं। वो आपने देख लिया किस तरह से बनते हैं, क्योंकि पार्टिकुलर एक ही स्ट्रेटेजी चूज कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, बाकी सारे 0 हो गई, तो वो फिर किस में कन्वर्ट है? प्योर में है। किसका है? प्योर का। अगर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, सपोज X1 1/2 है, X2 1/2 है, ठीक है, तो ये आप अलग अलग स्ट्रेटेजी चूज करेगा वो, उस केस में जो गेम्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? मिक्स्ड स्ट्रेटेजिक गेम्स कहलाएंगे।
ठीक है। तो ये प्योर स्ट्रेटेजिक और मिक्स्ड स्ट्रेटेजिक गेम्स की डेफिनेशंस हो गई।